तो फ्रेंड्स, ये इस कोर्स का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम एक कैटेगरी अमेज़ॉन की सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए आप तीन चीज़ों का ध्यान रखिए। पहला, वो रिकरिंग होनी चाहिए। रिकरिंग का मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी कैटेगरी हम चूज़ करें जिसकी ज़रूरत हर महीने ही लोगों को पड़े। दूसरा, वो सारे जेंडर को मीट करनी चाहिए। और तीसरा, वो सारे एज को मीट करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपको अमेज़ॉन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि वो तीन कैटेगरीज ऐसी कौन सी हैं जो इस प्लैनेट से कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। तो पहली कैटेगरी है हेल्थ की। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स लोगों को हमेशा ही चाहिए होते हैं और ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। दूसरी कैटेगरी है खाने की, फूड की। खाने में चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सभी को खाना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। तो ये कैटेगरी भी कभी ख़त्म नहीं होगी। तीसरी कैटेगरी है कपड़ों की, क्लोथ्स की। क्लोथ्स की भी रिक्वायरमेंट हमेशा ही लोगों को पड़ेगी और वो हमेशा ही इस पे पैसे स्पेंड करेंगे। अब इनमें फर्दर चलते हुए हम एक चीज़ ये देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी कैटेगरी इनमें से हम चूज़ करें जिसमें हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो और जिसकी वेबसाइट बना के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक उस पे आए और सबसे ज़्यादा लीड उसमें कन्वर्ट हो या सेल सबसे ज़्यादा हो। उसी श्रृंखला में एक मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पेट सप्लाईज़ को टारगेट करते हैं तो आप ये देखेंगे कि पेट सप्लाईज़ में डॉग के, कैट के, फूड के, हर किसी के आपको चीज़ें मिलेंगी। अगर आप इस तरीके की साइट अपनी बनाएंगे अमेज़ॉन एफिलिएट पे और ये वाले प्रोडक्ट्स को टारगेट करके बनाएंगे तो आप इजीली बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उसी तरह दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कपड़े हैं। अगर आप कपड़ों में देखें, अगर आप फैशन में चले जाएं सीधा, तो फैशन एक्सेसरीज़ एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही अच्छी नीचे कैटेगरी है जिसमें आप हमेशा ही पैसे बहुत आसानी से कमा सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। अब इस पूरी फैशन की कैटेगरी में आप कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो आप ज्वेलरी ले लीजिए, चाहे आप क्लोथ्स ले लीजिए, चाहे आप जो भी आजकल बच्चों के कपड़े हैं, जीन्स हैं, कुछ भी है, किसी भी चीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं। इसकी साइट बनाकर आप फेसबुक के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत ही ईजिली प्रमोट कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा सक्सेस उसमें मिल सकता है। तो ये तीन चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिए। पहली तीन कैटेगरीज़ हो गई, हेल्थ, फूड एंड क्लोथ्स। और दूसरा, ये हमेशा रिक्वायरमेंट को, अफोर्डेबिलिटी को और टाइमिंग को मीट करनी चाहिए। और इन तीनों की ज़रूरत 12 सीज़न चाहिए ही चाहिए और हर एज को भी चाहिए और रिक्वायरमेंट भी है। तो इस वीडियो में हम ये समझ पाए हैं कि सबसे पहला स्टेप हमारा अमेज़ॉन एफिलिएट की तरफ ये होना चाहिए कि हमें एक प्रॉफिटेबल और एक अच्छी कैटेगरी चूज़ करनी है जो हमें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। अब आगे वाले स्टेप्स में हम आगे बढ़ते हैं और हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा डोमेन हमें ख़रीदना है और कौन सी होस्टिंग हमें लेनी चाहिए जो हमें इकोनॉमिकल पड़े अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए।